वेलकम टू द परफेक्ट क्लास। आज हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन, जो कि ये कई एग्जामों में आते हैं, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, उनमें ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये अंडर रूट हुआ, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थर्ड, ये सारे क्वेश्चन एसएससी इन एग्जामों में हमें देखने को मिलते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं इसे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि अंडर रूट में है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इनमें मल्टीप्लाई है, तो ये इन्फिनिटी नहीं है। कुछ क्वेश्चन इन्फिनिटी तक है, जो कि ये हमारा क्वेश्चन है इन्फिनिटी तक है। तो ये क्वेश्चन और इन क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। तो ये क्वेश्चन रहेगा, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे ट्रिक से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो एग्जामों में जब भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं और काफ़ी टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं। तो हम इसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जो हमारा टाइम इससे बच सकेगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लेंगे, अगर ये मल्टीप्लाई के रूप में, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है सभी में, तो ले लेंगे टू। और कितनी बार सिक्स आ रहा है, अंडर रूट में आ रहा है, वो हम गिनेंगे। तो 1, 2, 3, 4, तो 2 की पावर हम 4 दे देंगे, 2 की पावर 4 हो जाएगी, जिससे हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये होता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 16 आ गया। तो यहाँ पर हमें 6 दे रखा है, तो हम इसे लिखेंगे 6 की पावर, और यहाँ आ जाएगा 16 अपॉन में 15, मतलब एक कम। यहाँ 16 आ रहा है, तो वो आएगा उसके डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर होगा उससे एक कम। तो 15 अपॉन 16 इसका आंसर रहेगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये आ गया इसका 6 की पावर 15 अपॉन 16, जो कि इसका आंसर रहेगा। अब हम सेकेंड ले लेंगे, सेकेंड भी सेम वैसे ही है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये 2, 3 बार लिखा है, तो 2 ले लेंगे, 2 की पावर लिखेंगे हम 3, क्योंकि यहाँ 3 बार है, 1, 2, 3 बार आ रहा है। तो इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जो कि होता है 2 2 4 4 2 8, तो ये हो जाएगा 8। अब हमें इसे पावर में लिखना है, तो यहाँ 5 है, तो ये आंसर में आएगा 5। तो 5 इसकी पावर आएगी 8, और ये डिनोमिनेटर में 8 आएगा, तो न्यूमरेटर होगा उससे एक कम, तो ये हो जाएगा 7। तो 5 की पावर 7 अपॉन 8, हमेशा जो यहाँ नंबर आएगा उससे एक कम उसका न्यूमरेटर रहेगा। ये डिनोमिनेटर हो गया और उससे एक कम न्यूमरेटर हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया 5 अपॉन 5 उसकी पावर 7 अपॉन 8। अब ये तो हो गए क्वेश्चन। अब हम लेंगे इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, जिसमें ये है माइनस वाले, इन्फिनिटी और माइनस में भी है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। इन्फिनिटी हो तब ये वाली ट्रिक यूज होगी। तो जब भी इन्फिनिटी आ जाए और माइनस या प्लस में हो, तो हम इन्हें, हमें इनका फैक्टर करना है। 12 जो दे रखा है, 12 का फैक्टर करेंगे। तो 12 का फैक्टर करना है, तो हमें ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस ओनली 1 हो। अगर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो वो यूज़ नहीं होगा। तो हम देखते हैं, जैसे इसका हम करेंगे 6 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक फैक्टर ये हो जाएगा, 2 12 होगा, और 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और 12 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 आएगा। तो इसके कई तरह के फैक्टर हो आगे आ सकते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए उसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। अब इसमें अगर डिफरेंस करें तो इसका डिफरेंस 4 आ रहा है, तो ये नहीं आएगा, तो इसे हम हटा देंगे। उसके बाद ये 3 और 4, इनका अगर डिफरेंस देखें तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका 1 आ रहा है, और इसका डिफरेंस 11 आएगा, तो ये भी हमारे यूज़ नहीं आ रहा। तो हमें लेना है ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो 3 और 4 इसका डिफरेंस 1 आएगा, यहाँ हम देखेंगे कि इनका डिफरेंस होगा वो 1 होना चाहिए। तो इसमें आ रहा है 1, 3 मल्टीप्लाई 4 के उसमें 1 आ रहा है। अब यहाँ पर माइनस है, तो इसमें एक ये यूज़ होगा, अगर प्लस होगा तो ग्रेटर देन, और अगर माइनस है तो लेस देन। तो इसमें ग्रेटर देन मीन्स जो बड़ा नंबर हो, और लेस देन माइनस, तो माइनस हमारा यहाँ पर माइनस है, तो हम लेंगे लेस देन, जो कि 3 है, तो इसका आंसर रहेगा 3। तो इसका आंसर आ गया 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर माइनस है तो लेस देन लेंगे, और अगर प्लस है, और अगर प्लस है तो हम ग्रेटर देन लेंगे। तो यहाँ पर हमारा माइनस था यहाँ पर, तो हमने लेस देन ले लिया, लेस देन हमारा 3 है, तो ये आंसर आ गया 3। अब सेम इसके जैसा क्वेश्चन ये रहा फोर्थ वाला, जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये दे रखा है 20 अंडर 20 प्लस 20 अंडर 20 प्लस 20, जो कि इन्फिनिटी तक है। अगर इन्फिनिटी तक है तभी ये यूज होगा, नहीं तो दूसरी ट्रिक होगी इसमें। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो 20 का हमें फैक्टर करना है, 20 का फैक्टर करेंगे, जो कि होगा इस टाइप से भी हो सकता है, 10 का 2 से मल्टीप्लाई, ये भी एक इसका फैक्टर है, और 4 का 5 से मल्टीप्लाई, ये भी इसका फैक्टर है, और 20, और इसके आगे कई फैक्टर आ सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए डिफरेंस 1।
हमें चाहिए इनका डिफरेंस 1। तो इसमें अगर डिफरेंस देखें तो 8 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, इसे हटा देंगे। इसका देखें तो इसका 1 आ रहा है, इसमें देखें तो इसमें भी नहीं आ रहा, तो हमें चाहिए डिफरेंस 1 जो कि इन इस वाले में है, हमें मिल रहा है। तो हम लिख लेंगे डिफरेंस हमें मिल गया 1 वाला, ये डिफरेंस 1 मिल गया। अब हमें देखना है कि प्लस या माइनस है, तो यहाँ पर हमें देखा है प्लस दे रखा है, तो हम देखेंगे कि हमने यहाँ देखा था अगर प्लस है तो हम ग्रेटर देन नंबर लेंगे, अगर माइनस है तो लेस देन लेंगे। तो हमारा यहाँ प्लस है तो हम जो नंबर लेंगे वो ग्रेटर देन लेंगे, तो इसमें ग्रेटर देन कौन सा है? 5। तो हमारा आंसर आएगा वो होगा ओनली 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल इजी ट्रिक है, इस ट्रिक से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 5। तो इन्फिनिटी तक हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें इसके इस ट्रिक से हम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं 5। अब ये इसका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे इसके नीचे वाले जो कि मल्टीप्लाई के रूप में, ये भी इन्फिनिटी तक है लेकिन इसमें प्लस है माइनस नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई है, इनके बीच में मल्टीप्लाई के रूप है। तो जब भी इस टाइप से सवाल आ जाए जो मल्टीप्लाई के रूप में लेकिन इन्फिनिटी तक हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं। डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा? जो नंबर उसमें दिया हो 7, वही उसका आंसर रहेगा। ये जब आएगा जब इन्फिनिटी हो, अगर इन्फिनिटी नहीं है तो फिर ये वाली ट्रिक यूज होगी। अगर इन्फिनिटी है तो उसका जो नंबर है वही उसका आंसर बन जाएगा। सेकेंड 6 वाला देखते हैं, इसमें भी हमें दे रखा है, ये भी मल्टीप्लाई के रूप में और इन्फिनिटी तक है, तो इसे भी हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5। तो ये हमारे आंसर आ जाएगा। तो ये इसके अगर इन्फिनिटी हो तभी हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, इन्फिनिटी प्लस मल्टीप्लाई होना चाहिए उसमें, इन्फिनिटी और मल्टीप्लाई दोनों होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये 1 से लेकर 6 तक जो कि हमें कमेंट करके क्वेश्चन दिए गए थे, तो हमने उसे आज इसकी वीडियो बनाई ताकि आपको ये सवाल इजी सिंप्लीफिकेशन इसका कर सके। और बैंक, रेलवे, SSC कई एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, तो आप उससे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।